मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर से नीचे बहने वाली धारा है। अगर देश की सर्वोच्च पंचायत गरिमा का ख्याल नहीं रखती है तो विधानसभाओं में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो देश के नीति नियंताओं को यह भी समझना चाहिए कि वो कैसा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके जो आचरण हैं उन्हीं का अनुकरण होगा। आपने निंदा प्रस्ताव भी लाया था। बिल्कुल, मैंने निंदा प्रस्ताव लाया था कि देश की सर्वोच्च पंचायत में एक संसदीय परंपरा रही है कि सदन में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। अगर इतने विद्वान सांसद इस परिस्थितियों को भूल रहे हैं तो इस निंदा प्रस्ताव के माध्यम से हम उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते थे कि आपके आचरण जो है वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ हुई, प्रदीप जी ने भी उनके बारे में बोल दिया जबकि वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। इस बारे में प्रदीप जी ज़्यादा बेहतर बोलेंगे चूँकि वक्तव्य उनका था, लेकिन मैं इतना स्पष्ट मानता हूँ कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड फोर्स लॉ जो है वो हर जगह इक्वली डिसाइड होता है। अच्छा, बजट तो मैडम अभी ले हुआ है, पढ़ भी नहीं पाए हैं हम लोग। अब कल बजट पर चर्चा होगी, उसमें क्या बजट में है वो हम लोग देख लेंगे। क्योंकि बजट ले भी हुआ तो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था कि पढ़ने का मौका भी नहीं था। और वो अब सवाल है कि 40 विभागों के दस्तावेज हैं, उनको जब तक पढ़े नहीं तब तक कुछ कहना उचित नहीं। नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ चर्चाएं, क्या करेगी अब सरकार, क्या स्टैंड होगा अब सरकार? निश्चित रूप से कानूनी से लेकर तमाम तरह के उपायों और तमाम तरह के चीज़ों के बारे में विचार किया जा रहा है। हम यह स्पष्ट मानते हैं कि हमारी यह नियोजन नीति जो झारखंड के बाल बच्चों की बेहतरी के लिए लाई गई थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने छद्म रूप से अपने एक कार्यकर्ता को खड़ा करके ऑनरेबल कोर्ट में चुनौती देके उसको समाप्त कराने का काम किया है। हम तो आपको यह कहते हैं कि आप भी जरा अध्ययन कर लें कि उन 20 पिटिशनर्स में कितने झारखंड के हैं और कितने बाहर के हैं। आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो पाएगा कि यूपी के लोगों को झारखंड की नियोजन नीति से क्यों तकलीफ थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि मूलवासियों की सरकार यह चाहती है कि यहाँ की नौकरियों में 100% तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% यहाँ के बाल बच्चों को अवसर मिले। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और पुनः करते रहेंगे। थैंक यू।